जाने का मतलब है शांति की प्राप्ति, अपने पापों को नष्ट करना। जब आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो जिस दिन आप तीर्थ में जाते हैं उस दिन तक के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं, किसी भी तीर्थ में आप जाइए। लेकिन शर्त है, अगर तीर्थ की मर्यादा का उल्लंघन करके आप जाएंगे तो वो पाप नष्ट नहीं होंगे। आपको तीर्थ में तीर्थ की मर्यादा से ही रहना चाहिए। आजकल लोग, इतने लोग तीर्थ में जाते तो हैं, बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, लेकिन वही तीर्थ की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। मैं जब अभी मुंबई में था, एक बच्ची ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, जब सब तीर्थ में जाते हैं, लोग धर्म करने जाते हैं, अच्छा काम करने जाते हैं, तो किसी की खाई में बस पलट गई, किसी का ये हो गया, ऐसा क्यों होता है और हम लोग इसका चिंतन क्यों नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? क्या हमें तीर्थ में उसी तरीके से जाना चाहिए जिस तरीके से हम पुणे में रहते हैं? उसी विचारधारा से हमें तीर्थ में जाना चाहिए? अरे भाई, जब हम तीर्थ में जा रहे हैं तो टोटली धार्मिक आध्यात्मिक बनकर ही जाना चाहिए। आप देखिए, तीर्थों में चले जाइए, हमारा ज्यादा कह दे सबको बुरा लग जाता है, हम भी अब कंट्रोल में रहने लग गए, अपने आप को कंट्रोल में करें, ठीक है। आप हाथ में हाथ डालकर तीर्थ में नहीं जा सकते, आप धार्मिक पति पत्नी है तो भी, हाँ सहारा देने के लिए अगर हाथ पकड़ा है तो ठीक है। कई लोग बुजुर्ग होते हैं, नहीं चल पाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को साथ उस तरीके से, वो ठीक है, वो गलत, लेकिन हम पति पत्नी हैं, ये तीर्थ में दिखाना है तीर्थ पति को, उसको तो पता ही है। मैं सिर्फ यहां पति पत्नी का मर्यादित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप एक्स्ट्रा जो समझना है समझना, क्योंकि मुझे मर्यादा में ही रहकर बोलना है। तो मेरा अभिप्राय यह है कि हम जब तीर्थ में जा रहे हैं, अभी मुझे कोई बता रहा था कि मैं यहीं था बाहर, तो मेरी चर्चा हुई आज, लोग मंदिरों में जाते हैं तो ऐसे ऐसे युगल जाते हैं, तो अब वहां तुम ऐसा ऐसा फोटो तुम सेल्फी खींच रहे हो, तुम्हें तीर्थ का पता होना चाहिए, तीर्थ है ये, जो अलग टाइप के सेल्फीज हैं वो आप अलग टाइप की जगह पे लो, और तीर्थ में जा रहे हो तो तीर्थ जैसा फोटो ही खींच लो बस। समझ गए इशारा? और बोलूं? मैं बोलूंगा नहीं, इतना ही समझो। मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर मैं तीर्थ में तीर्थ की भावना से नहीं जाऊंगा तो मुझे वहां जाने का कोई फल नहीं मिलेगा। आप एक शहर तो देख के आ सकते हो, आप तीर्थ में होके नहीं आ सकते। तीर्थ में जाने के लिए आपको तीर्थी होना पड़ेगा। जो तीर्थी होते हैं तीर्थ उन्हें फल देता है। जब हम यात्रा में जाएं तो मेरे मन में संसार नहीं, संसार बनाने वाला ही रहना चाहिए। मेरा कर्म सुंदर होना चाहिए, मेरा कर्म भी सुंदर हो, मेरा बाणी सुंदर हो, मेरा व्यवहार सुंदर हो, तब आप जब तीर्थ में ऐसी स्थिति में जाते हैं तो उस स्थिति में आपके तब तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, एकदम सब नष्ट हो जाता, कोई पाप नहीं रहता फिर। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हमें बार बार तीर्थ करना चाहिए, साल में कुछ दिन तो तीर्थ करना ही चाहिए, जिससे आपके जितने भी चाहे अनचाहे जाने अनजाने जो पाप होते हैं वो तीर्थ में जाकर नष्ट हो जाएं और आप पुनः एक सरल हृदय सरल चित्त वाले व्यक्तित्व प्रकट हो जाए, फिर से तुम्हारा एक सरल हृदय जागृत हो और फिर तुम अच्छे से अपना जीवन जी सको। इसलिए अनेकों तीर्थों में जाना चाहिए और तीर्थों में जा जाकर भगवान के आगे पाठ पूजा भजन दान पुण्य जो आप कर सकते हो वो करना चाहिए। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है तीर्थ में जाना चाहिए और तीर्थ में जाके जो साल भर आप कमाते हो ना उसका 10% का धर्म करना चाहिए वहां जाके,
भंडारा करो, लोगों साधु संत गरीबों को भंडारा, वही तीर्थ में रहकर पहले भगवान के आगे 56 भोग लगाओ, फिर वही 56 भोग भंडारे में बंटवाओ, सबको खिलाओ। मतलब कुछ ऐसा हो जो साल भर जो भाग दौड़ रही है वो उसका कुछ हिस्सा अच्छी जगह पे लगे, जिससे तुम्हें लगे कि हाँ हम मानव जीवन जी रहे हैं, हम गधे वाली जिंदगी नहीं जी रहे हैं कि सिर्फ खाओ कमाओ सो जाओ, खाओ कमाओ सो जाओ। वी आर नॉट वो गधे वाली जिंदगी क्यों जीना है, मानव बनकर जिए, जियो और जीने दो, खुद भी जियो दूसरों को जीने दो, और दूसरों को जीने दो का मतलब है किसी की दुख में किसी के काम आओ।